तो नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं नमस्कार का साइन दिखाने। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं ट्रूथ और डेयर चैलेंजेस। तो मतलब देखो ट्रूथ और डेयर तो इतना लंबा हाइट का मेरी इतनी लंबी हाइट होगी, देखो दिख रही है इतना लंबी हाइट होगी मेरी। हाँ बाय विदाउट टाइम पास। हाँ तो आज हम करने वाले ट्रूथ और डेयर चैलेंजेस। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हमारी ये बॉटल है पूरी हमारी वाइन की, अभी हम इससे मम्मी को बहुत ही गंदा वाला प्रैंक करने वाले। फटाफट से, और ये जो है मेरा यह यूट्यूब चैनल है, और मैंने मम्मी को बताया था कि मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मम्मी का कमेंट क्या था, तो ये आया ये वाली वीडियो पे। और आप ऐसे देख सकते हो चालू था वीडियो और मम्मी ने ये दिया। ट्रूथ, इफ अ जीनी ग्रांटेड यू 3 विशेस व्हाट इट वुड बी? मैं बताऊँ, पैसा चाहिए मुझे, पैसा। पहला विश होगा मेरा पैसा, इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए कि मेरे सामने अंबानी और एलन मस्क गरीब पड़ गए। मेरे को इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए कि पूरा दुनिया खरीदूँ मैं, सब कुछ मेरे नाम पे हो, यहाँ तक कि तुम्हारा घर भी मेरे नाम पे हो, तुम्हारा बनियान, तुम्हारा सब कुछ मेरे नाम पे हो, मेरे नाम पे हो तुम्हारा बनियान। सेकेंड मैं जीनी से मांगता कि मेरे को एक सेकेंड, पैसा मिल गया ना मेरे को, बाकी सब खरीदने की क्या जरूरत है, पैसा तो मिल गया ना। पैसे में ये अंधा हो गया है जिसके पास पैसा नहीं है, थोड़े पैसे ऑनलाइन पेमेंट का। एक अगला डेयर मिला है जो है, तो मैंने अभी डेयर पढ़ा है, जो डेयर हमें करना है नाचना है हमें पब्लिक में और सिंग करना है। ओह, अब क्या करूँ मैं, चलो। और डेयर तुम लोगों ने मुझसे बोला था कि हमको बेसन मांगा है, तो मैं उसको ऊपर ट्यूटोरियल दिखाता हूँ कि मैं कितना गंदा करता हूँ मुझे रोड पे जाने से पहले से पहले। तो ये है एक मोबाइल जिससे अभी हमें गाना बजाने वाले हैं, और तुम लोग मेरा स्टेप देखने वाला। सो सबसे पहले मैं इस कैमरा को अच्छे से प्लेस कर देता हूँ। ये दीपिका का चालू, दीपिका ज़्यादा जाऊँगा नहीं, कॉपीराइट आ जाएगा। 3 2 1 स्टार्ट। यो व्हाट्सएप गाइस, आज हम करने वाले हैं बेशरम का ये डांस जो आपने बोला था। ये देखो सोसाइटी खाली जगह नहीं है, तुमने बोला था पब्लिक के सामने करो, ये देखो सब गाड़ी है, गाड़ी देख रही है सब, देखो पेड़ भी देख रहे हैं, पब्लिक हो ही ना। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तुम्हारा बेशरम डांस, सिर्फ मैं 10 सेकंड डांस करूँगी, 10 सेकंड। गाइस मैं अभी आ गया हूँ, क्रिकेट गार्डन है, मतलब पूरा गार्डन बेस्ट है। और ये है जगहें जहाँ पर तुम देख सकते हो, मतलब सोसाइटी है, सोसाइटी के पार्ट ऑफ अ ग्राउंड है। तो अभी हम यहाँ कॉन्सर्ट करने वाले हैं, पर कौन सा गाना? अरे ढिंसा कुजा का गाना गाओ, गावी मेरी सीचर मेरी हो, मैं वो वाला गाना तो पावी होने वाली है। चल, हेलो गाइस, वेलकम टू प्रो गेमर कियान्स कॉन्सर्ट। और कॉन्सर्ट में हम गाने वाले हैं आज, पावी होने वाली है। ओके, रिएक्शन बहुत गंदा वाला है। हेलो, पावी होने वाली है, 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 पावी निकलो ऐसा। सो हमारा नेक्स्ट डेट है ट्रूथ है एक सेकेंड क्या लिखा है, पढ़ लो।
हाँ तो मोहित नीरव ने क्या नाम है, मोहित नीरव जन ने दिया है कि हमको बताना है कि टेक्नो गेमर्स और टोटल गेमिंग बेस्ट कौन है। बेस्ट देखो, जो भी सही आंसर होगा तुम मुझे मत बोलना कि नहीं हम आपको तो करते, पर बेस्ट इज, अरे पता है उसका जमाना गया, पर बेस्ट इज उज्ज्वल भाई, उज्ज्वल टेक्नो गेमर्स इज बेस्ट ब्रो। अरे मतलब टोटल गेमिंग के फॉर्मेशन से भी पहले वो फॉर्म हुआ था भाई, वो अच्छा आदमी है भाई, बहुत ही मतलब उसने GTA वीडियोज़ अपलोड करना बंद कर दिया भाई, GTA वीडियोज़ अपलोड करना चालू करना है ना, आग लगा देगा पूरी सिटी में, आग लगा देगा, आग आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। गाइस मैं अभी आज गया हूँ क्रिकेट गार्डन है, मतलब पूरा गार्डन बेस्ट है, और ये है जगह जहाँ पर तुम देख सकते हो, मतलब सोसाइटी है, सोसाइटी का पार्ट ऑफ अ ग्राउंड है। तो अभी हम यहाँ कॉन्सर्ट करने वाले हैं, पर कौन सा गाना, अरे ढिंसा पूजा का गाना गाओ, गावी मेरी सीचर मेरी हो, मैं वो वाला गाना, तो पावी होने वाली है। चलो हेलो गाइस, वेलकम टू प्रो गेमर कियान्स कॉन्सर्ट, और कॉन्सर्ट में हम गाने वाले हैं आज पावी होने वाली है। ओके रिएक्शन बहुत गंदा वाला है। हेलो, पावी होने वाली है, पावी होने वाली है, पावी होने वाली है, पावी होने वाली है, किसकी पावी होने वाली है, पावी निकलो निकलो निकलो। एक अंकल आ रहा है जिनसे मैं पूछना है कि इनके टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं, हमें ये अगला डेयर दिया है हमें, तो किस अगला डेयर पूछते हम लोग। ओके अंकल को पूछते हैं, ये एक दूसरी सोसाइटी जहाँ में गुजरा कुछ अंकल, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है अंकल, अंकल आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, आपके टूथपेस्ट में नमक है, अंकल आपके टूथपेस्ट में नमक, हमारा टूथपेस्ट कहाँ है, टूथपेस्ट नहीं है तो ब्रश नहीं करते, नहीं अंकल बिजी है पान खाने में, अंकल जुबा केसरी खाने में बिजी है भाई। अंकल ने बहुत ही ओपी और सैवेज रिप्लाई दिया था, तो अभी ये है कुत्ता, कुत्ते को हम नहीं पूछने वाले क्योंकि कुत्ते कुत्ते ही रहते हैं। ओके भाई सब कौन दिख रहा है, मैं रोड पे आ गया हूँ, सीन चल रहा है। तो अभी हम पूछते हैं दीदी को कि आपके चुपके से नमक है कि नहीं, अब मैं जो जा रहा हूँ जो भी दूसरी सोसाइटी है आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मुझे मेरे मेरे को पहले अंकल से पूछते हैं शर्म आ गई, तो दूसरे मैं सारे थे अंकल दिख रहे हैं, पूछे अंकल से, ठीक है भाई ये अंकल जो दिख रहे हैं इनका उनका पूछते हैं जो स्कूटर का, अंकल अंकल क्या आपके स्कूटर में नमक है, अरे अंकल है कि नहीं, नहीं है अंकल के, इस अंकल के इसमें नहीं है। तो डेयर के हिसाब से हमें 5 लोगों को पूछना था और अभी 2 लोग हो गए, दोनों का जवाब नहीं है, अभी हम पूछते हैं कि ये वाला अंकल से पूछते सामने वाला अंकल से, दीदी भी पूछते अंकल क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, नमक है आपके टूथपेस्ट में, नहीं है अंकल के भी टूथपेस्ट में नमक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं अंकल के टूथपेस्ट में, कोई भी नमक वाले टूथपेस्ट में नहाता नहीं है, खुद मेरे टूथपेस्ट में नमक नहीं है तो कौन से अंकल के पास जुबा, आई मीन करें अंकल तो लगे जुबा केसरी में, जुबा केसरी। ओके तो अभी हम आ रहे हैं, ये है पूरी सोसाइटी में, हम दूसरी सोसाइटी में आए हैं। ओके ये एक अंकल है, अभी अंकल क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, हा? आपके टूथपेस्ट में नमक है, नहीं मेरा बोल रही है,
अंकल कुछ नहीं, अंकल बोल रहा मेरा फोटो है क्या? शाहरुख खान थोड़े ना जो मैं खींचूंगा अंकल का फोटो। ओके, तो अभी हमारे यहाँ 3 लोगों का हो गया है डेर। अभी 2 लोगों को और पूछना है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं। आई थिंक अभी हमें एक बच्चे को पूछना चाहिए कि आपके टूथपेस्ट में नमक है बेटा कि नहीं। उधर बच्चों की टोली दिख रही है मेरे को, तो मैं चलो उधर चलते हैं। चलो भाई यहाँ तो बस चालू है, जस्ट स्विमिंग कर लूँ। अंकल क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हुँ? नमक है आपके टूथपेस्ट में? ओके, बिल्कुल भी नमक नहीं। 4 लोग मिले, उनके पास कोई भी नमक नहीं है। ओके, तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे अंकल के पास, जो है ये अंकल लास्ट वाला अंकल है जिनने कोई भी ड्रेस नहीं पहनी है। मैं इनका तो यही पूछने वाला हूँ, थोड़ा रास्ता खाली होने दो। ओके अंकल, अंकल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था, आपके टूथपेस्ट में नमक है? हा? आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं बेटा। अंकल के भी टूथपेस्ट में नमक है। तो इसी के साथ 5 लोग पूरे हो गए और डेर हमारा पूरा हो गया। तो अभी हम लोग, अभी जो 3 डेर बचे मैं तुमको बता दूँ। ओके, तो नेक्स्ट 3 डेर है। सो हमें सबसे पहले 4th डेर है हमारा कि नहीं, मैं 4th डेर तुमको ऐसा क्यों बता, ऑर्डर वाइज क्यों बता? अच्छा मैं तुम्हें डेर बताऊँ। लास्ट वाला अल्कोहल डेर है, फिर हमें आइसक्रीम डेर है जिसमें हमें आइसक्रीम विथ श्रीखंड एंड पीनट बटर को मिक्स करके खाना है। मतलब ये दिख रहा है मैं इधर उल्टी करता हूँ, आई विल बी राइट इन द मिडल। हाँ तो हम आ गए हैं करके उल्टी करके। तो आइए चलो नेक्स्ट डेर पे चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट 4th डेर जो बहुत ही सस है, हमें किसी को पूछना है, किसी को कोई भी एक बच्चे को पूछना है कि तू कितनी बार बाथरूम जाता है। तो देखो हमारा डेर है कितनी बार बाथरूम जाता है। तो मैंने 5 लोगों को तो मुश्किल से पूछा है, बच्चे को कैसे पूछूंगा? मेरी बच्चा टोली है इधर, माई बच्चा तो मतलब मेरे से छोटे है वो। मेरे को आपके लिए क्वेश्चन था कि आप कितनी बार बाथरूम जाते हैं? अरे क्या हुआ, आप कितनी बार बाथरूम जाते हैं दिन में? ये आपके लिए क्वेश्चन है, हमारे फैंस ने पूछा है। हाँ। कितनी बार बाथरूम जाते हैं दिन में? कितनी बार मैं तो वही नहीं, मैं तो 69 पता है कितनी बार आप कितनी बार बाथरूम जाते हो? एक मॉर्निंग में जाता हूँ। एक ही बार? कितना ग्लास पानी पीते हो? कितना ग्लास पानी पीते? कितना ग्लास पानी पीते हो? ओके 4 बार। 4 बार बस? 4 बार? अरे और आप कितनी बार सुसु जाते हो? आप कितनी बार जाते बोल। इसके बाद इन्होंने बहुत ही वायलेंस किया, मेरा फोन गिराया, मेरा सर फोड़ा, लातों से मारा, कुत्तों से कटवाया। ये कितनी बार वॉशरूम जाते हैं क्या बता? ये 69 टाइम्स ना भाई, 420 टाइम्स अ डे। नाइस, कुछ नहीं। ओके, तो हमारा डेयर हो गया पूरा कंप्लीट। सिर बेकार, बहुत बच्चों के बाद बहुत। आपका प्रिय नाम क्या है? आपका प्रिय नाम क्या है? मेरा 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 प्रिय नाम अंश है। अंश और वो टट्टी है, उसका नाम टट्टी है। बहुत ही गंदा वाला वायलेंस हो रहा है इधर। ओके, उसको टट्टी बोल दिया है, सो सैड। ओके, अभी हमें चलना है 5वें डेर पर आइसक्रीम वाला, पर उसे मैं नहीं कर सकता। रीज़न ये है कि लोग बोलते हैं मैगी के साथ खाना चाहिए श्रीखंड। एक्चुअली मैं सब तो श्रीखंड और पीनट बटर वाला मैंने बनाया है, ये लोग जो बोलता है केचप से खाओ, ठीक है केचप से। देखो केचप से खाने में एलर्जी है, केचप से एलर्जी, मतलब इतनी एलर्जी क्या बोलूँ, बहुत एलर्जी है मेरे को तो। लेकिन मैं तुम लोग के दिए कुछ और डेयर को ट्राई करने वाला हूँ, जिसका डेयर है कि हमें आइस डालना है अंदर, ठीक है कपड़े के अंदर, और हमें डांस करना है। चलो करते हैं, लेट्स गो। ओके भाई, हमने आइस ले लिए है।
हमारे पास ये अग्नि डाय के लिए जो है आइस पड़ी है इधर, आइस भी है इधर, तो आप देख सकते हो आइस है। और उसके बाद हमें देख लें ये आइस वाइस, अभी हम करने जा रहे हैं प्रैंक। तो ये आ गई है हम मेरे पास बहुत ही ठंडी ठंडी आइस, और अभी हम इसे कपड़े में डाल रहे हैं। और ये अगले मतलब बिग प्रैंक है जो होने वाला है मम्मी के साथ, तो अभी मम्मी थोड़े टाइम में वो के लिए जाने वाली है, तो हम करने वाले प्रैंक। तो जब मैं सारा प्लान भाई हाथ में ना बहुत ही मतलब वो है ठंडा हाथ के लिए एकदम, जय माता जय माता दी। ये पूरी आइस निकल गई है, अभी हम इसे डालना है नीचे भी डाल के तय करते हैं। तो ये है नीचे का पार्ट, ये है नीचे का पार्ट, और अब हम डाल रहे हैं। मेरे से तो हिला ही नहीं जा रहे, कौन नहीं गिर रहा इस, ऐसा लग रहा है पूरे मुंबई को नॉर्वे बना दिया। अंडरवेयर में मतलब पानी आ गया, ऐसा लगेगा कि सूसू कर दी भाई। अंदर से तुम देख सकते हो भाई एकदम तरुण दिल जैसी हालत हो चुकी है भाई, मेरे से नहीं हो रहा भाई, जो देख रहे हो ना पूरा ठंडा हो चुका है, ऐसा लग रहा है किसी ने सूसू कर दिया इधर ही। तो तैयार है हमारी जमी आइस, और ये पूरी जो है पानी बन चुकी है बिकॉज ऑफ सॉलिड, लेकिन हमें ज़रूर एक पराठे का टुकड़ा मिला आइस। उसके साथ तुम्हारा फिफ्थ डेयर कंप्लीट हुआ, मेरी सुसु भी पूरी हो गई, थैंक्स फॉर द डेयर। और अब हम चलते हैं लास्ट डेयर पर, पूरी भीग दी भाई पैंट, मुझे लगा था आइस वाला प्रैंक यार हो जाएगा यार, गंदे वाला अपना पोपट हो गया मुझे, मतलब मुझे पता है कि क्या है, पूरी गीली हो गया है। और अब नेक्स्ट प्रैंक के लिए हमारे पास है गैस, ये है फ्रिज हमारा, जहाँ से हम अपना फ्रिज खोलते हैं, ये हमारे पास आ गई है कोल्ड ड्रिंक। ओके, तो ये आ गई है कोल्ड ड्रिंक हमारे पास, मैंने छोटी कोल्ड ड्रिंक लेने का ट्राई किया था, मुझे कोका कोला दे रहे थे अंकल 20 वाली, लेकिन मैंने 10 वाली बिस्लरी ले ली, मतलब पूरी कोका कोला की कॉपी है ये। तो अभी पिए नेक्स्ट प्रैंक, लेट्स गो। मम्मी 5 मिनट के वॉक के बाद जा रही है, तो अभी इसे यहीं स्टॉप कर देता हूँ, रुक जाओ भाई, गंदा वाला प्रैंक होने वाला है क्योंकि इसमें लिखा भी है स्पेशली इसमें वाइन लिखा है भाई, मैं पूरे घर में ढूंढ रहा था वो कहीं नहीं मिला, मेरे को मिलने का से माला है, लेकिन मेरे को तभी अपने जगह स्टोर रूम में एक बॉटल दिख गई है ना, है एक बॉटल दिख गई। और अब होने वाला है वो प्रैंक, स्टे ट्यून्ड इन। व्हाट्सअप गाइस, हम आ चुके हैं प्रैंक करने, तो ये मेरे पास आ चुकी है बॉटल, और अभी मम्मी गई है वॉक के लिए, तो लेट्स डू द प्रैंक। ओके, तो ये हमने ये हमारी बिस्लरी की रैप बॉटल है, इसे बोलते हैं, मेरे साथ फेक अल्कोहल प्रैंक, इसमें हम डालेंगे जितना दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा भर गया है, थोड़ा भर गया इसमें, मम्मी गाइस मैं सच्ची बोल रहा हूँ, इसमें मम्मी को भी कुछ नहीं पता है,
मम्मी वॉक के लगे, मैंने सीधा फोन किया मम्मी को, मैंने बोला सर मैं ट्रुथ और डेयर की वीडियो बना रहा हूँ बस। तो ओके, ये हमारे पास अभी मम्मी का फोन है, जब मैं मम्मी को अभी वीडियो कॉल करने वाला हूँ। ओके, लाइव रिएक्शन आपको यहाँ दिखने वाला है गाइस। मैं यहाँ रख दिया तो आपको क्लियरली दिखेगा, ठीक है। ये बॉटन और लेट्स डू इट। फट गए। It's a prank. I can't see you. हैं? I can't see you बोल के काट दिया? I think हमें कोई दरवाजा खोलना पड़ेगा इंटरनेट के लिए। अब फोन लगेगा हमारे लिए। मम्मी ये देखो, मम्मी आ गए गाइस। ये देखो मैं क्या पी रहा हूँ, ये देखो। नथिंग मतलब ये दिस इज रियल अल्कोहल। तो ओके गाइस, ये हम फोन लगा रहे, मम्मी ने काट रही है, मतलब नीचे तो वॉक पे गई तो इंटरनेट आ रहा है। ऐसी भी कोई माँ होती है यार, काटती कौन है। ठीक है, ये हमारे अल्कोहल की बॉटल है, शराब पिएंगे। ये देखो मम्मी, व्हाट इज दिस? दिस इज अल्कोहल, दिस इज रियल दारू। अरे आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज रियल दारू, दिस इज दारू, वाइन। वेट आई एम कमिंग अप। अरे देखो वो देखो, इट्स अ प्रैंक। अरे बट इट्स अ प्रैंक, वो मेरे को पुरानी बॉटल दिखी तो इसलिए मैं बोला। डोंट लाई, आई एम कमिंग अप। अरे नहीं, आज का वीडियो पूरा खत्म हुआ गाइस। बहुत धुलाई होने वाली है घर पे। इसकी वीडियो को इसी आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए मम्मी को रियल पे लगा, भाई मैंने पुरानी बॉटल उठा ली थी। ओके, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। आज बहुत धुलाई होने वाली है, सब्सक्राइब टू द चैनल, गुड बाय।